गाइस, मेरे घर से ना मुझे लिटरली में एक इतना बड़ा गॉड का सूट दिख रहा था, और ये रियल है। मैंने एक बार को सोचा था मैं सपना देख रहा हूँ, ये लिटरली में ऑल फादर सन गॉड का सूट है। मेरी बात ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये रियल सन गॉड नहीं है, ये उसका बनाया हुआ डुप्लीकेट सूट है जिसको कोई इंसान पहन सकता है। भाई ये कितने हेड्स है, मुझे तो गाइस लिटरली में ये ऑल फादर 20 हेडेड ऑल फादर लेवल का सन गॉड का सूट है लिटरली में। सोचिए गाइस, मेरे हिसाब से अभी तक कोई यहां तक पहुंच नहीं पाया, क्यों ना मैं इसको पहन लूं। इसके मुंह के अंदर क्या, ओह माय गॉड, यहां पर लिटरली में गेमिंग चेयर है और एक कीबोर्ड रखा है। शायद हम इस गेमिंग चेयर एंड कीबोर्ड के थ्रू इस इतने बड़े जायंट विशाल 20 हेड के सूट को कंट्रोल कर पाएंगे। कैन यू बिलीव दैट गाइस? लगता है गाइस अगर आप वीडियो लाइक कर दोगे तो जरूर मैं सूट को पहनकर चला पाऊंगा। चलो जल्दी से लाइक बटन दबा दो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी। उसके बाद गाइस इस सूट को हम ले पाएंगे, इससे पहले कि बाकी कोई साइंटिस्ट इस सूट को चुरा के ले जाए, मैं सूट का इस्तेमाल, अरे ये क्या, नो एरर आ रहा है गाइस। लगता है आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो लाइक करो जल्दी और चैनल सब्सक्राइब, नहीं तो आपका फ्रैंकलिन मर जाएगा। गाइस यार कुछ तो गड़बड़ है, इस सूट को शायद इतनी आसानी से पहना नहीं जा सकता, जरूर यहां पर कुछ ना कुछ होगा या फिर ये सूट ही खराब हो चुका है। कोई इतना विशाल सूट बनाकर हमारे लॉस सेंटोस में क्यों छोड़ेगा, आप सोचिए। एक मिनट गाइस, आपके लाइक सब्सक्राइब से शायद ये पेपर आ गया। गाइस मैंने पेपर अभी रीड किया और इस पेपर में लिखा हुआ था कि मुझे ऑल फादर लावा गॉड की कोई स्पेशल बकेट है, उसको चुराकर इस सूट को देना है, जिससे शायद इसकी कोई पावर बढ़ जाएगी। मतलब ये सूट अभी डैमेज्ड है मेरा ना गाइस, बिल्कुल तजुर्बा सही था, ये सूट अभी खराब है इसलिए कोई इसको पहन नहीं सकता, इसलिए शायद किसी ने इसको अबैंडन कर दिया है। लेकिन गाइस सोचो, एक बार मैं सूट को ठीक कर लूंगा ना, फिर इस सूट को पहन पाऊंगा। चलो गाइस अब जल्दी जल्दी चलते हैं, और यहीं कहीं गाइस ये असल में ना एक बहुत स्पेशल रोड है। गाइस इस रोड को ना मुझे खोदकर जमीन के अंदर जाना पड़ेगा, जिस वजह से गाइस इस जमीन के अंदर मिलेगा मैं ऑल फादर लावा गॉड, जो हमारे अर्थ के कोर में रहता है। अरे गाइस यहां पर दिन से रात, रात से दिन होती चली गई, कहीं उस सूट को कोई और ठीक करके ना पहन ले, मुझे इस टास्क को करना पड़ेगा। गाइस मेरी खुरपी तो काम नहीं कर रही है यार। गाइस आईडिया, क्यों ना मैं यहां पर ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करूं। नहीं ड्रिल मशीन नहीं गाइस, अब तो मैं सीधा आरपीजी लॉन्चर इस्तेमाल करूंगा। 1 2 3 ये वाह गाइस, हम जमीन के नीचे आ चुके हैं। ओह माय गॉड गाइस, अर्थ का कोर तो पूरी तरह से ऑल फादर लावा गॉड ने अपने कब्जे में कर रखा है। अवेंजर्स से लड़ाई हारने के बाद गाइस ऑल फादर लावा गॉड जमीन में अपना राज करने लग गया। ओह माय गॉड, मुझे पता तक नहीं था। खैर अपने को तो यहां पे अपना काम करके यहां से निकल जाना है। गाइस देखिए यहां पर ऑल फादर लावा गॉड लिटरली में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हेड। लेकिन गाइस आपको स्पेशल बात बताऊं, ऑल फादर लावा गॉड से ज्यादा हेड वाला सूट तो हमारा वाला होगा, ऑल फादर सन गॉड का। गाइस देखिए ऑल फादर लावा गॉड के मुंह के अंदर ये एक स्पेशल बकेट है जिसको मुझे चुरा के लेके जाना होगा। मेरे हिसाब से गाइस ऑल फादर लावा गॉड को पता भी नहीं चला है कि मैं धरती के नीचे आकर उसकी बकेट चुराने जा रहा हूं, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, मैं छोटा हूं, उसको फील भी नहीं होगा मेरे पिताजी की बकेट कौन चुराने आया है। एक मिनट गाइस, पिताजी की, ये जरूर उसका बेटा होगा। अरे नहीं गाइस, ऑल फादर लावा गॉड का बेटा तो मेरे जितना तो नहीं, मुझसे बड़ा है, बट ये छोटा है, इस वजह से पता कर पाया कि असल में मैं कुछ करने आया हूं। मैं तुझे मार दूंगा इंसान, तू यहां सरवाइव भी कैसे कर पा रहा है? अरे बाप रे, ये सवाल तो मैं खुद से पूछता हूं, मैं इतने बड़े-बड़े पंगे लेता ही क्यों जो मेरे बस की ना हो। यार कोई नहीं गाइस, कुछ भी हो जाए मैं यहां पर ऑल फादर लावा गॉड की बकेट चुरा के जाऊंगा, ये उसका बेटा मुझे यहां पर रोक नहीं सकता। मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है गाइस, जब मैं धरती में नीचे गिरा था ना, मैं अपनी आरपीजी गन को साथ लेके आया था, मतलब रॉकेट को। इस रॉकेट का इस्तेमाल करके पहले हम लावा गॉड के इधर आग लगाते हैं, अभी ना लावा गॉड का बेटा जरूर इधर आएगा। मेरे बच्चे उधर कुछ दिक्कत है, देख कर आ। ठीक है पिताजी, अभी जाता हूं। देखा गाइस, यहां पर लावा गॉड ने अपने बेटे को भेज दिया है। ऑलराइट गाइस, जैसे ही वो किनारे पे आके खड़ा होगा ना, मैं लावा गॉड के बेटे को उसी के लावा में धकेल दूंगा, उसके बाद गाइस हमारा जो रास्ता है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, अब भी ना मैं उसको हाथ से नहीं धकेल सकता, नहीं तो मैं जल ही जाऊंगा। मैंने निकाला अपना आरपीजी रॉकेट, ये ले। अरे भाई पिताजी, पिताजी ये इंसान मुझे मारा। नहीं मेरे बच्चे को कौन गिरा रहा है, मेरे बेटे। गाइस यहां पर ऑल फादर लावा गॉड के बेटे को नीचे गिराने में मेरी बैंड ही बच गई। खैर कोई नहीं गाइस, हमारा काम हो चुका है, अभी मुझे बहुत ध्यान से ऑल फादर लावा गॉड से बचते हुए उसके हेड के अंदर जाना होगा, और गाइस यहां पर उस बकेट को चुराना होगा। गाइस ऑल फादर लावा गॉड बहुत गुस्से में, उसको अगर मैं दिख गया ना गलती से तो वो मुझे मार देगा। अरे
चलो गाइस शुक्र है, मैंने सोचा था ऑल फादर लावा गॉड के मुंह के अंदर ज्यादा गर्मी होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी ठंडक है क्योंकि इसके पास इसके पिताजी के दांत हैं, इसके पिताजी के पास लावा गॉड नाइस गॉड की पावर जो है ना, इसीलिए। खैर कोई नहीं गाइस, हम यहाँ से निकलते हैं जल्दी से। मैं धरती में नीचे क्यों जा रहा हूँ, मुझे ऊपर जाना है। कमोन गाइस, हमें धरती से ऊपर जाना पड़ेगा। रुक जा कीड़ा, मैं अपने बेटे का बदला लूंगा। अरे बाप रे गाइस, लावा गॉड तो मेरे पीछे ही पड़ गया था। ओके यहाँ पर जल्दी से सूट पहन लेता हूँ वरना लावा गॉड मुझे मार देगा। गाइस मैंने बकेट लाके तो दे दिया है। अरे सन गॉड के सूट भाई, अरे गाइस तो सुन भी नहीं सकता, ये तो एक सूट है। एक मिनट गाइस, अरे कुछ तो चेंज हो रहा है गाइस इस सूट में, लगता है ये रिपेयर होना स्टार्ट हो गया है। एक मिनट गाइस, व्हाट गाइस, इस सूट के हेड पहले से कम थे क्या, जो और बढ़ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 and what guys, this suit all father 25 son headed हो चुका है लिटरली में। 25 सर वाला सन गॉड का सूट, वाह ये तो रियल गॉड से भी कहीं ज्यादा ताकतवर लग रहा है। तो ये सूट मेरा है क्योंकि मैंने टास्क को कंप्लीट जो कर दिया। चलो गाइस अब गेमिंग चेयर पर बैठते हैं और इस सूट को कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले ना मैं उस ऑल फादर लावा गॉड को सबक सिखाऊंगा, वो मेरे पीछे आ रहा है लिटरली में। ऑलराइट गाइस, अब इस चेयर पर बैठने जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ गाइस इस बार सब कुछ काम करेगा। ये क्या, हमने सिस्टम को ऑन, ये क्या अभी एरर क्यों आ रहा है? नो डोंट टेल मी कि सूट अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। नहीं अरे करंट लगा गाइस, वो सिस्टम खराब है यार, किस खटारा ने बनाया सूट को यार, पूरी तरह से खराब सूट है। कोई नहीं गाइस, आज मैं इसको फिक्स करके रहूंगा लिटरली में। मुझे शायद वो पेपर फिर से पढ़ना चाहिए। एक मिनट गाइस, इस बार पहले पेपर का एक पेज था, इस बार दो तीन पेज आ चुके हैं। क्या है ओ ये क्या गाइस, असल में इस पेपर में लिखा है कि डायमंड हगी वगी जिला नाम का कोई मॉन्स्टर है लिटरली में, और उसका ना एक अंडा है स्पेशल एग, उसको हमें डिस्ट्रॉय करना है। अगर मैंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो गाइस इस सूट को मैं पहनकर कंट्रोल कर सकता हूं, ये इस बात का उन्होंने वादा किया है। चलो गाइस इनके वादे को देखते हुए तो काम हो जाएगा। व्हाट ये क्या गाइस, वेट अ मिनट, मुझे यहां पर एक टास्क करने का, ऑलरेडी यहां पे ऑल फादर सन गॉड का रिवेंजर हल्का सूट मिल गया है। वाह यार चलो ठीक है, एक टास्क किया मैंने तो मुझे यहां पे इन्होंने मायूस नहीं किया, एक सूट तो दे ही दिया। गाइस सामने देखिए, ओ माय गॉड, लिटरली में वो डायमंड से बना हगी वगी जिला है, इसके दांत सब कुछ गाइस डायमंड से बना है। ओ माय गॉड दोस्तों यार, लेकिन वो स्पेशल अंडा तो यहाँ कहीं दिख, अरे इसके मुंह में चेक, ओ माय गॉड गाइस ये रहा वो स्पेशल एग, देखिए किस तरह का कुछ ऊर्जा निकल रही है इसमें से तो भाई पैसे वैसे निकल रहे हैं। गाइस इस वाले अंडे को डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझे अपनी सुपर पावर्स यूज करनी होंगी जरूर। ऑल फादर सन गॉड का सूट मुझे इसलिए मिला है। हे डायमंड हगी वगी जा, ये ले तेरा अंडा डिस्ट्रॉय करने आओ। मेरा अंडा डिस्ट्रॉय करता है मूर्ख, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, चला जा यहाँ से, तू नादान है, तू जानता नहीं है मेरी शक्तियों को। अच्छा बेटा आ जाओ, मैं तुझे दिखाता हूँ यहाँ पे मेरी पावर्स, देखिए गाइस क्या ही हालत कर रहा हूँ मैं। अरे गाइस को तो कुछ नहीं हो रहा, अरे मर जा भाई। मुझे कुछ नहीं, अरे बाप रे ये क्या कर रहा है, वाह गाइस ये काम कर रहा है ये क्या, अबे तेरी तो गाइस ये अभी तक भी, अरे सॉरी ये ले तुझे बताता हूँ, निकल यहाँ से बुरी तरह से। अरे गाइस लगता है सूट की पावर्स यूज करना मुझे अभी ठीक से नहीं आया, इसने मुझे क्या ही पीटा है भाई। अरे अरे मुझे पानी से एलर्जी है, मैं सन गॉड जो ठहरा, मुझे पानी से बाहर निकलूंगा। बहुत हो गया गाइस, अब मैं रियल ऑल फादर सन गॉड की पावर से इस्तेमाल करने जा रहा हूं, मतलब आप सभी को भी पता नहीं है मैं इतनी ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता हूं कि ये डायमंड जिला जो भी हगी वगी जिला नाम है इसका वो पूरी तरह से पिघल जाएगा। अबे क्या कर रहा है तू, ओए ओए निकल जा यहां से, समझा वरना तुझे चबा जाऊंगा, मेरे डायमंड के दांत हैं, टूट टायर ये क्या हो रहा है। वाह गाइस वैसे तो आप सभी ने सुना होगा कि डायमंड को जलाया नहीं जा सकता, लेकिन सन गॉड की पावर्स कुछ ऐसी है कि यहाँ पे मैं डायमंड को भी पिघला सकता हूँ लिटरली में। देखिए गाइस क्या ही हेवल, अरे वाह गाइस हमें यहाँ पे एग मिल गया है, अब जल्दी से यहाँ पे कुछ खतरनाक स्पेशल बॉम्ब लगा के मैंने उस एग को डिस्ट्रॉय कर दिया। नहीं मेरा अंडा, मैं वादा करता हूँ तुझसे, तू जो भी है मूर्ख इंसान, मैं वापस आऊंगा तुझे मारूंगा। अरे गाइस मैं तो अपने दुश्मन बढ़ाए जा रहा हूँ, अब तो मुझे वो ऑल फादर 25 हेड्स का सन गॉड का सूट चाहिए। अभी ना गाइस इस सूट ने कोई नखरे किया ना मुझे पहनने में तो मैं इसको छोड़ने नहीं वाला हूँ, जल्दी जाता हूँ उसके मुंह। अरे व्हाट, नो गाइस अब तो ये सूट मुझे अपने आप को पहनने भी नहीं दे रहा है, ये क्या, नहीं प्लीज ऐसा मत कर। एक मिनट गाइस ये क्या गाइस, ये सूट एरर क्यों दे रहा है। गाइस लगता है फ्रैंकलिन ओपी ने लिखा अपने कमेंट में, प्लीज गाइस एक बार फ्रैंकलिन ओपी लिख दो ना यार,
क्या पता एक काम कर जाए। एक मिनट गाइस, वहां पर मुझे एक पेपर दिख रहा है। अरे ये कोर पेपर गाइस, पहले तीन पेपर थे, चार पार हो गाइस। मैंने भी पेपर पढ़ा, उसमें लिखा है कि इस सूट की बैटरी लो है, तो गाइस बैटरी चार्ज करने के लिए कोई स्पेशल रेड कॉइन आता है, उसके लिए हमें ग्रैंड रन गेम में जाना पड़ेगा और मुझे 10,000 रेड कॉइन चाहिए। वेट एक मिनट, मेरा सूट कहां गया? सन गॉड का फ्रैंकलिन। गाइस मुझे कोई सूट चाहिए जल्दी से, मैं शॉप में आ गया हूं। मेरे पास, अरे वाह, मेरे पास तो गाइस आयरन मैन का सूट आ गया। लेकिन एक मिनट, ये रेड बंदर सामने क्या कर रहा है? अब तेरा पीछा हूं मैं। अरे भाई ये तो पीछे भी है, भागो जल्दी जल्दी। गाइस रेड कॉइन हमें ढूंढने पड़ेंगे, ये तो गोल्ड वाले कॉइन है। गाइस ये गेम तो बड़ा बढ़िया है यार, फोन में भी चल रहा है मेरे में। अरे बचाओ, आप क्या करेगा आइडिया? गाइस इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करता हूं, 1 2 और ये क्या सेम वाली हो गाइस। लेकिन मेरे पास अभी 2 इंजेक्शन बचे हैं भाई, मुझे जल्द से जल्द गाइस 10,000 रेड कॉइन चुरा के लेके जाने पड़ेंगे रेड हल्की सिटी से। फ्रैंकलिन मेरी ग्रैंड सिटी से बाहर निकल, नहीं निकलूंगा। अरे वाह, अरे नहीं गाइस, ये क्या बार-बार मर रहा हूं। गाइस ये लास्ट चांस है, इस बार आपका फ्रैंकलिन हारेगा नहीं। गाइस देखिए हमने टोटल अभी 23 क्या बस अभी गाइस 25 रेड कॉइन ही हमने कलेक्ट किए हैं, मुझे पूरे 10,000 रेड कॉइन कलेक्ट करने, लेकिन मैं बाकी रहूंगा। हुआ गाइस, अभी ना मेरे पास आयरन मैन की भी पावर्स नहीं है। खैर कोई नहीं, पावर्स इस्तेमाल करने का टाइम नहीं है भाई, भागो उल्टे सीधे जैसे भागना है। लेकिन मैं इस बार टकराऊंगा नहीं, वरना रेड पकड़ के ना मेरी चटनी बना देगा लिटरली में। गाइस वैसे आप सभी भी इस गेम को खेल सकते हो जैसे मैं खेल रहा हूं, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाके ग्रैंड रन गेम को डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर बाप रे आप मुझे बहुत सारे कॉइन दिला के मेरे लिए बढ़िया बढ़िया सूट अनलॉक कर सकते हो, उससे मेरी बहुत ज्यादा मदद होगी प्यारे बच्चों। भागो भागो फ्रैंकलिन, नहीं कोई भी इस गेम को नहीं खेलेगा, मेरे कॉइंस मत चुराओ। फाइनली गाइस 1 घंटा लग गया और मैंने 10,000 रेड कॉइंस चुरा लिए हैं, देखिए वहां पे, और 30,000 गोल्ड कॉइन भी है। फिलहाल मेरे को 10,000 रेड कॉइन की जरूरत है, तो मैं 10,000 रेड कॉइन अपने वर्ल्ड में ले आता हूं। ओके गाइस, लिटरली में ये रेड के कॉइन है, मुझे पता भी नहीं था इस पे रेड की मूंछें भी छपी है, और कितने स्पेशल कॉइन है। ऑलराइट गाइस, अभी इतने कॉइंस जमा करके हम इस सूट की एनर्जी को वापस से रिचार्ज कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, देखिए सूट पे से जो जितने भी कॉइंस थे वो गायब हो चुके हैं। अभी गाइस इस सूट को पहनने का समय आ गया है, मोस्ट अवेटेड मोमेंट। ओके गाइस, इस बार तो यार इस सूट ने मुझे अंदर भी आने दिया लिटरली में। गाइस मैं तो बहुत एक्साइटेड रहा हूं 25 हेडेड ऑल फादर सन गॉड के सूट को कंट्रोल करने के लिए। चलो गाइस, अब मैंने सूट उतार दिया अपना वाला। ऑलराइट, ये किया मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक। ओके गाइस, अभी मुझे सामने का कैमरा दिख रहा है। ऑलराइट, अरे अरे भाई मैं अभी तो मैं उड़ रहा हूं, ओ माय गॉड। लेकिन गाइस अभी भूलिए मगर, मेरे पीछे 2 दुश्मन लगे हैं, एक है ऑल फादर लावा गॉड, एक है अरे 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 डायमंड हगी वगी जिला। तो गाइस उनसे लड़ने के लिए मुझे सुपर पावर चाहिए। फ्रैंकलिन मैं आ रहा हूं, ये किसकी आवाज आई? मैं हूं ऑल फादर लावा गॉड। नहीं नहीं नहीं, नो 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 गाइस, नहीं, तूने मेरे बेटे को मेरी शक्तियों से जला दिया, अब तेरा सर्वनाश होगा, मैं तेरे सारे सूट्स को बर्बाद कर दूंगा, सब कुछ तबाह कर दूंगा और तुझे खत्म कर दूंगा फ्रैंकलिन। नहीं गाइस यार, ऑल फादर गॉड तो बहुत गुस्से में, अगर आप चाहते हो मैं जीतूं और पार्ट 2 इस वीडियो का, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। और हाँ, स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच। हे